अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट आर इनफॉर्मल फैलसीज 1। टुडे आवर टॉपिक इज इनफॉर्मल फैलसीज, टॉपिक नंबर 4.1। इनफॉर्मल फैलसीज आर इंडक्टिव इन नेचर। इनफॉर्मल फैलसीज इंडक्टिव हैं हमारी नेचर में, ठीक है। इनफॉर्मल फैलसीज आर आइडेंटिफाइड थ्रू द लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आइडेंटिफाई होती हैं। द स्टेटमेंट और क्लेम इज़ नॉट सपोर्टेड विद द एडिक्वेट रीज़न फॉर द एक्सेप्टेंस। के हमारे पास एक्सेप्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं होती, कोई एडिक्वेट क्लेम नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। एंड इनफॉर्मल फैलेसी डिनोट्स एन एरर इन व्हाट यू आर सेइंग। इनफॉर्मल फैलेसी डिनोट करती है जो आप बात कर रहे हो उस बात में कुछ ना कुछ एरर है। दैट इज़ द कंटेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, कि आपके आर्ग्यूमेंट के कंटेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को डिफाइन करते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। द आइडियाज़ माइट बी अरेंज करेक्टली, कि आइडियाज़ करेक्टली अरेंज हैं, बट समथिंग यू सेट इज़ नॉट क्वाइट राइट। लेकिन जो आप कह रहे हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। दैट इज़ द कंटेंट इज़ रॉन्ग और ऑफलाइन। वी कैन आल्सो से दैट द इनफॉर्मल फैलेसीज रेफर टू द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर लॉजिकली अनसाउंड, जो कि लॉजिकली अनसाउंड लगती है, मतलब लॉजिकली करेक्ट नहीं लगती, लॉजिकली ट्रू नहीं लगती। हमें क्यों नहीं लगती? ड्यू टू द लैक ऑफ वेल ग्राउंडेड प्रेमिसिस, के वेल ग्राउंडेड प्रेमिसिस, वेल ग्राउंडेड रिजल्ट्स नहीं होते हमारे पास, वेल ग्राउंडेड रीजंस नहीं होती, वेल ग्राउंडेड एविडेंस नहीं होते हमारे पास। A fallacious inductive argument follows patterns like the sun has not exploded for all its existence, therefore the sun will not explode tomorrow. Similarly, another example, this athlete has never lose a race in past. केस एथलेट ने कभी पास्ट में कोई रेस हारी नहीं है, देयरफॉर ही विल नेवर लूज अ रेस इन फ्यूचर, तो वो फ्यूचर में भी रेस नहीं हारेगा। बट हाउ, कैसे इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो नहीं हारेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सब कैटेगरीज है इनफॉर्मल फैलेसीज की। नंबर 1 इज़ द फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन कहते हैं गुमान को। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ विदाउट एविडेंस, एविडेंस के बगैर किसी ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेना कॉजेज फैलेशियस रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू गोइंग टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, क्या आप ये बात एडमिट करने जा रहे हो कि आप गलत हो। इफ़ यू आंसरिंग येस देन प्रूव्स दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन उसने क्या किया कि क्या आप एडमिट करते हो कि आप गलत हो। अगर आप कहते हो येस yes, तो मतलब क्या है कि आप एडमिट कर रहे हो कि आप गलत हो। इफ़ यू आंसर नो, ठीक है, अगर आप कह देते हो कि नो, देन इम्प्लाइज दैट यू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, कि आप ये तो एक्सेप्ट करते हो कि आप गलत, लेकिन आप ये एडमिट नहीं कर रहे हो कि आप वाकई ही गलत हो। आप एक्सेप्ट करते हो लेकिन एडमिट नहीं कर रहे हो बात को। दिस क्वेश्चन प्रिज्यूम्स गिल्ट आइदर वे। सब टाइप्स ऑफ द फैलेसीज ऑफ द प्रिजम्पशन आर फर्दर, इसकी सब टाइप्स हैं हमारे पास। हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, हेस्टी कहते हैं जल्दबाजी को, ठीक है। दिस फैलेसी इज़ बेस्ड ओनली ऑन अनयूजुअल एग्जांपल, ये फैलेसी बेस करती है सिर्फ एक अनयूजुअल एग्जांपल पे, मतलब गैर मामूली एग्जांपल पे, टू रीच अ कंक्लूजन, कि हमें एक गैर मामूली एग्जांपल देखी, हमने उसी से कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल, हिटलर वॉज अ वेजिटेरियन, कि हिटलर जो है वेजिटेरियन है, देयरफॉर कंक्लूड किया कि हमने आई डोंट ट्रस्ट एनी वेजिटेरियंस, कि मैं किसी वेजिटेरियन पे ट्रस्ट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज दैट द हिटलर वॉज अ वेजिटेरियन। नंबर 2 इज अ स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी। दिस फैलेसी इंक्लूड्स टू ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ अ प्रीमिस, इट इज़ रिवर्स ऑफ द हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। ये रिवर्स हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी के एग्जांपल है हमारे पास। रनिंग इज गुड वे टू कीप फिट, सो एवरीवन शुड रन अ माइल एवरी डे, के रनिंग अच्छी चीज़ है फिट रहने के लिए। इज़ गुड वे टू कीप फिट, फिट रहने के लिए रनिंग अच्छी चीज़ है। सो एवरीवन, तो हर किसी को चाहिए कि वो एक माइल रोज़ाना रन करे। नेक्स्ट वन इज़ अ स्लिपरी स्लोप फैलेसी। दिस फैलेसी अज्यूम्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस इन एडवांस, के एक्शंस के जो भी नतीज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको एडवांस में ही अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लेट योर ब्रदर स्टे, ठीक है, वी विल हैव टू लेट योर होल फैमिली स्टाफ। अगर मैं आपके भाई को रोक लेता हूँ तो मुझे आपकी फैमिली के तमाम मेम्बर्स को जाने देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, एडवांस एडवांस में ही उसने नतीजा जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है, वो एज्यूम कर लिया कि अगर मैं रोकता हूँ आपके भाई को तो आपकी होल फैमिली मेम्बर्स को, होल फैमिली स्टाफ को जाना पड़ेगा। द ऑक फैलेसी इज लेटन फॉर यू टू। दिस फैलेसी इम्प्लाइज द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग हु इज टॉकिंग, इट इज़ यूज टू क्रिटिसाइज अगेंस्ट द अदर पर्सन,
ठीक है, लाइक द कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को देखना कि बात कौन कर रहा है, किसी अगले बंदे पे क्रिटिसाइज करना. फॉर एग्जांपल, यू शुडेंट हैव दैट द सेकंड पीस ऑफ केक, इट्स सो फटेनिंग. डिडेंट यू ईट एन एंटायर टप ऑफ आइसक्रीम यस्टरडे, ठीक है, क्या आप अगले बंदे को क्रिटिसाइज करते हो. पोस्ट हॉक एगो प्रॉप्टर हॉक, द अबव टर्म्स मीन्स आफ्टर दिस, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस. इट इज़ बेस्ड अपॉन एन एग्जम्पशन ऑफ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये हमारी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, ये बेस्ड करती है ऑन द एग्जम्पशन, दैट इज़ द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. ए हैपेंड देन बी हैपेंड, कि ऐसा हुआ था उस वजह से ऐसा हुआ. तो क्या हुआ, ए जो है वो कोज बनेगी किसकी, बी की. ए वजह बनेगा किसका, बी का. फॉर एग्जाम्पल, आई सा मैगपाई एंड आई क्रैश्ड माई कार, ठीक है, तो मैंने मैगपाई देखा और मैं आई क्रैश्ड माई कार. देयरफॉर मैगपाइज आर द सिंबल ऑफ बैड लक. तो उसने क्या कर लिया, उसने ज्यूम कर लिया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना लिया, कि ये हुआ तो ये हुआ, मतलब ये चीज़ बुरी है. नेक्स्ट वन इज़ अ पॉइंट नंबर सिक्स, कम हॉक प्रॉप्टर हॉक, द अबव टर्म मीन्स विद दिस एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस. दिस फैलेसी हैपेंस व्हेन अ पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट कनेक्ट्स टू इवेंट्स दैट हैपन साइमल्टेनियसली, दो इवेंट्स जो एक साथ हो रहे हैं उनको कनेक्ट कर लेता है, एंड अज्यूम्स दैट द वन कॉज द अदर, और ये अज्यूम करता है कि एक जो है वो वजह बनी दूसरे की. फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ सिक पीपल, ओके, हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ सिक पीपल, देयरफॉर हॉस्पिटल्स मेक पीपल सिक. तो उसने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स थे दैट हैपन साइमल्टेनियसली. दो इवेंट्स यहाँ पे क्या है, एक हॉस्पिटल, दूसरा सिक पीपल. तो उसने क्या किया, उन्हीं दोनों इवेंट्स को कनेक्ट करके, कंबाइन करके एक कंक्लूजन एज्यूम कर लिया, दैट इज द हॉस्पिटल्स मेक पीपल सिक. नेक्स्ट वन इज द अपील टू इग्नोरेंस, इट रेफर्स टू आर्गुइंग फ्रॉम द इग्नोरेंस, इससे मुराद है जहालत से बहस करना. दिस फैलेसी आर्ग्यूज दैट अ प्रोपोजिशन इज ट्रू बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन येट प्रूव फॉल्स. ये फैलेसी इस चीज़ को आर्ग्यू करती है कि प्रोपोजिशन ट्रू होगी क्योंकि वो इसको गलत साबित नहीं कर रहा है, अभी तक फॉल्स नहीं है. सच फैलेसीज अबाउंड इन डेली कन्वर्सेशन, में ऐसा होता है, एडवर्टाइजिंग में देखते हैं, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हिज कम्युनिज्म इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कम्युनिज्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो मैकार्थी प्रेजेंटेड अ केस सेइंग I do not have much information on this except the general statement of the agency. कि मेरे पास इसके मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि एजेंसी की वजह से, एजेंसी की थी, दैट देयर इज़ नथिंग इन द फाइल्स टू डिसप्रूव हिज कम्युनिस्ट कनेक्शंस. ठीक है, इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है जो इस चीज़ को डिसप्रूव कर दे, कि कम्युनिस्ट कनेक्शन को डिसप्रूव कर दे. हिज आर्गुमेंट वॉज दैट बिकॉज देर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट अ कम्युनिज्म कनेक्शन, कि कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कम्युनिज्म कनेक्शन के अगेंस्ट, दैट द पर्सन मस्ट बी वर्किंग विद द कम्युनिस्ट, तो पर्सन जो है वो वर्क करेगा. आई बिलीव दैट द डॉलर पेन इज द बेस्ट राइट विद बिकॉज इट्स पैकिंग बेयर्स दैट. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या कहता है, कि मुझे यकीन है कि लिखने के लिए डॉलर का जो पेन है, डॉलर की जो कलम है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है. क्यों, क्योंकि इसकी पैकिंग का असर है, उसकी पैकिंग देख के हमें ऐसा लगता है कि यस, डॉलर का पेन जो है वो सबसे अच्छा है, उसकी पैकिंग इतनी इम्पैक्टफुल है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स डिलेमा. Sometimes dilemma कहते हैं अलमिया को. Sometimes referred to as the false of bifurcation. Bifurcation means taqseem. This fallacy occurs when someone presents his argument in such a way that there are only two possible options. For example, कि जब कोई अपना argument पेश करता है इस इन तरीके से या इस वे में कि सिर्फ दो ही options हैं. For example, if you don't vote for this candidate, you must be a communist. ठीक है, इफ़ यू डोंट वोट फॉर दिस कैंडिडेट यू मस्ट बी अ कम्युनिस्ट, कि या तो वोट दो तो कम्युनिस्ट ना बनो, या अगर वोट नहीं दोगे तो कम्युनिस्ट होगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो ही ऑप्शंस हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फॉल्स डिलेमा. ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास फैलसीज ऑफ एम्बिगिटी. एम्बिगिटी मीन्स अबहाम होना. फैलसीज ऑफ एम्बिगिटी आर कॉज बाय द लैक ऑफ द क्लैरिटी और बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सम वर्ड्स. ठीक है, क्लियर नहीं होती इन चीज़ें, उस वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. सच फैलसीज में इंक्लूड एसेंट फैलसी. दिस फैलसी इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑफ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस ऑन द वर्ड यस्टरडे इन द सेंटेंस, आई डिड नॉट टेक द टेस्ट यस्टरडे. ओके, आई डिड नॉट टेक द टेस्ट यस्टरडे. मे हैव मीनिंग्स सच एज, इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, दैट समवन एल्स टुक द टेस्ट, किसी और ने कंडक्ट करवा लिया होगा, और आई टुक इट ऑन अनदर डे, या फिर मैं किसी और दिन टेस्ट लें. नेक्स्ट है जी इक्विवोकेशन फैलसी. दिस फैलसी अकर्स व्हेन द सेम टर्म और द वर्ड इज यूज्ड मोर देन वंस विद द डिफरेंट मीनिंग्स. डिफरेंट मीनिंग्स के साथ एक ही वर्ड या एक ही सेम टर्म यूज़ हो रही है विदाउट स्पेसिफाइंग, बगैर ये स्पेसिफाई किए कि कौन सा मीनिंग इज इंटेंडेड. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फेथ इन साइंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फेथ इन साइंस एंड आई हैव फेथ इन गॉड. नेक्स्ट ट्रॉमेन फैलेसी. दिस फैलेसी अकर्स व्हेन अ स्पीकर अपेयर्स टू रिफ्यूट द आर्गुमेंट दैट इज प्रेजेंटेड. जब स्पीकर जो है वो अपेयर करता है रिफ्यूट द आर्गुमेंट दैट इज प्रेजेंटेड, जो आर्गुमेंट प्रेजेंट किया गया उसको रिफ्यूट कर दिया, बट इन रियलिटी द स्पीकर रिफ्यूट्स एन आर्गुमेंट दैट वॉज नॉट प्रेजेंटेड. लेकिन असल में क्या होता है कि स्पीकर उस आर्गुमेंट से रिफ्यूट करता है जो कि प्रेजेंट नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजिडेंट ओबामा कैन नॉट ट्रूली हैव अमेरिकन इंटरेस्ट इन माइंड बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रूली अमेरिकन बट मुस्लिम्स. फर्स्ट सेनेटर कहता है द नेशन इज़ इन डेप्ट एंड वी शुड नॉट इंक्रीज द डिफेंसिव बजट. ओके, द नेशन इज़ इन डेप्ट एंड वी शुड नॉट इंक्रीज द डिफेंसिव बजट. सेकेंड सेनेटर कहता है आई कैन नॉट बिलीव दैट यू वॉन्ट टू लीव द नेशन डिफेंसलेस. ठीक है, कि मैं मुझे इस बात का बिलीव नहीं आ रहा, आई कैन नॉट बिलीव दैट, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि यू वॉन्ट टू लीव द नेशन डिफेंसलेस. ओके, इज द स्ट्रॉमैन फैलेसी. सी मीन नेक्स्ट टाइम आई पास अपील टू अथॉरिटी. दिस फैलेसी रेफर्स टू अटैकिंग द आर्गुमेंट टू अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी टू गिव क्रेडिडेंस टू हिज आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, वेल आइज़ैक न्यूटन बिलीव्ड इन एल्केमी. एल्केमी मीन्स कीमिया. डू यू थिंक यू नो मोर देन आइज़ैक न्यूटन? क्या तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हें वाकई लगता है ऐसा कि तुम्हें आइज़ैक न्यूटन से ज़्यादा पता है? ठीक है, अपील टू अ पॉपुलर ओपिनियन. दिस फैलेसी हैपेंस व्हेन समवन क्लेम्स दैट कैन आइडिया और बिलीफ इज ट्रू सिंपली बिकॉज इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव. कि कोई आइडिया या कोई बिलीफ सही हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि काफ़ी सारे लोग इस बात पर यकीन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोर दिस एल्बम. बहुत सारे लोगों ने ये एल्बम खरीदा, सो इट मस्ट बी गुड. तो जाहिर है कि वो अच्छा होगा. ठीक है, अटैकिंग द पर्सन. दिस फैलेसी रेफर्स टू अ पर्सन हु सब्स्टिट्यूट्स अ रिब्यूटर विद अ पर्सनल इंसल्ट. फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिब्यूटर कहते हैं मुस्तरद करने को. डोंट लिसन टू द फेडरल मिनिस्टर्स आर्गुमेंट्स ऑन एजुकेशन. तालीम से मुतलिक वफाकी वजीर के दलाइल ना सुने, मतलब फेडरल मिनिस्टर्स के आर्गुमेंट्स ना सुने तालीम से रिलेटेड. ही डिड नॉट इवन फिनिश हाई स्कूल. यहाँ तक कि इसने हाई स्कूल भी ख़त्म नहीं किया. ठीक है, सिमिलरली और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास. बेडवगन फैलेसी है, गैम्बलर्स फैलेसी है. ठीक है, सारी फैलेसी हैं. जेनेटिक फैलेसी. जेनेटिक फैलेसी क्या कहती है हमें? दिस फैलेसी रेफर्स टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन देयर सोर्स नॉट ऑन देयर मेरिट्स. फॉर एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड सेज दैट यू आर अ लायर. कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा था कि तुम झूठे हो, यू आर अ लायर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. ठीक है, दिस इज़ द जेनेटिक फैलेसी. रेड हेरिंग फैलेसी है. वीक एनालॉजी है जी हमारे पास. दिस फैलेसी यूजेस एनालॉजी बिटवीन थिंग्स विच आर नॉट रियली अलाइक. ये फैलेसी क्या है? ये एनालॉजी है थिंग्स के दरमियान, मतलब मुशाबत है, रिजेंबलेंस है. एनालॉजी कहते हैं रिजेंबलेंस को, थिंग्स के दरमियान विच आर नॉट रियली अलाइक, जो कि एक जैसी नहीं लगती. फॉर एग्जाम्पल, कार्स किल पीपल जस्ट लाइक गन्स. कार लोगों को किल करती है जस्ट लाइक गन्स, जैसे कि गन्स बंदूकें करती हैं. देयरफॉर, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बैन द सेल ऑफ कार्स, कि अगर आप कार्स की सेल पे बैन नहीं लगा सकते, सो यू कैन नॉट बैन द सेल्स ऑफ गन. तो आप इसी तरह से गन्स की सेल पे भी बैन नहीं लगा सकते. तो हुआ क्या हमारे पास, कि रिजेंबलेंस थी दो चीज़ों के दरमियान, जो
रियली अलाइक नहीं है, जो एक जैसी नहीं लगती, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। अब कार्स और गन्स कहाँ से एक जैसी लगती हैं, ठीक है, कहीं से भी हमें एक जैसी नहीं लगती। तो ये फैलेसी क्या करती है, एक एनालॉजी क्रिएट करती है बिटवीन थिंग्स विच आर नॉट रियली अलाइक। नेक्स्ट वन है इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, वो आप लोगों ने इसी टॉपिक के साथ कर लेना। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉपिक नंबर 4.1। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सीडेंट फैलेसी। ओके, अल्लाह हाफिज़।